कितने साल पुरानी है और कैसे ये जो आर्ट फॉर्म है उसको आप जीवित किए हुए हैं? महाराजा तेज सिंह और महाराजा तेज सिंह के यहाँ से स्टार्टिंग है और लालसिंह मानसिंह आश्रम है अपने यहाँ, उस आश्रम में ये कला होती थी। इस पर गुरु जी हमारे पिताजी के श्री मुंशी लाल जी थे, उन्होंने इन्होंने काम सीखा है। अब इस मरी हुई कला को इस सरकार ने उठाया है, क्या पिछली सरकारें नहीं चल रही हैं, वो भी तो उठा सकती थी। एमए किया हुआ है आपने? 15,000 रुपए 2 महीने के मिले थे, वही 2 महीने का सेंटर किया था मैंने बस, उसके बाद मुझे काम नहीं मिला, मैं घर पे खाली बैठी हूँ बस। तो मैनपुरी की गलियों में इस वक्त हम चुनाव को कवर करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब यहाँ पर लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक हैंडीक्राफ्ट बहुत पुरानी सालों से चली आ रही है, उसे कहते हैं तारकशी। और इस तारकशी को समझने के लिए, देखने के लिए हम एक जगह मौजूद हैं जहाँ पर मैनपुरी में, और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर ये तारकशी क्या चीज़ है, कैसे काम करती है, कैसी दिखती है। चलिए देखते हैं मैनपुरी में। मालती जी, ये बताइए कि कब से काम करते आ रहे हैं, यहीं पर सीखा था आपने, उसके बाद यहीं पे काम कर रहे हैं आप? मैंने 2 जनवरी से पहली अगले साल किया था, पहली बार काम किया था। तो इसको काम करने में कितना पैसा मिल जाता है और कितना समय लगता है? पैसा सरकार देती है, 15,000 रुपए 2 महीने के मिले थे, वही 2 महीने का सेंटर किया था मैंने बस, उसके बाद मुझे काम नहीं मिला, मैं घर पर खाली बैठी हूँ बस। तो ये बताइए आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैं एमए कर रही हूँ। एमए किया हुआ है आपने? कहाँ से एमए किया? एमए मैंने आरसी से किया है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट से? हिंदी से। हिंदी से, उसके बाद आपको नौकरी के लिए कुछ नहीं आपने ट्राई किया? नहीं, ट्राई किया मगर मौका नहीं मिला। ये कब की बात है, कब आपने एमए किया हुआ है? मैंने एमए किया, मैंने बीए किया 2000 में, फिर उसके बाद 2002 में एमए किया। नौकरी आपने करनी नहीं चाहिए, घर वालों ने नहीं कही? घर वालों ने भी चाहिए मगर मिली नहीं ना। अच्छा, नौकरी नहीं मिली? हाँ, बारम डाला, टेस्ट भी दिया, उसमें हुआ कुछ नहीं। तो अभी आप जैसे कि देख भी रहे होंगे कि चुनावी माहौल भी है और यहाँ पर मैनपुरी में गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का, तो ऐसे में अब क्या जनता बदलाव चाहती है कि समाजवादी पार्टी के साथ ही जाना चाहती है? बदलाव चाहते हैं, कुछ हो, हम लोगों को काम मिले, जो घर पे बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल रहा है, हम चाहते हैं सरकार बदलाव करे, अच्छा काम लाए औरतों के लिए। आपको माहौल क्या लग रहा है, घर में क्या बातें होती हैं, यहाँ पर जो आस पड़ोस में आप, आपकी जो दोस्त हैं, दीदी हैं, जो सारी, वो मिलके क्या बातचीत करती हैं कि क्या लग रहा है कि समाजवादी पार्टी कुछ अच्छा कर सकती है या फिर भाजपा अच्छा कर सकती है? भाजपा को तो देख चुके हैं, अब देखते हैं नहीं कोई आए सरकार, वो क्या काम करती है। आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, भाजपा को देख चुके हैं? मतलब आप ये चाह रहे हैं कि अभी तो देखिए लोकसभा का चुनाव हो रहा है ना, ये इसमें देश में किसकी सरकार बनेगी उसकी बात हो रही है, ठीक है? तो मैनपुरी में आपका एक उम्मीदवार चुना जाएगा, जैसे अभी डिम्पल जी यहाँ पर सांसद हैं, नेताजी मुलायम सिंह रहे, उसके बाद उनके जाने के बाद डिम्पल जी उपचुनाव जीती थी, तो अब आपको लगता है कि यहाँ पर अगर भाजपा या समाजवादी पार्टी जीतती है तो कौन अच्छा काम कर सकती है? वो सपा ही आएगी, वहाँ ये गढ़ है सपा का, सपा ही जीतेगी यहाँ से बीजेपी। अच्छा, बीजेपी का मुश्किल लग रहा है, मुश्किल है। योगी जी अच्छे ही लगते? अच्छे लगते हैं, वो जनता हमारे वोट से तो कुछ होना ही जाएगा, जनता वो सोचती है वो करेगी, हमारे एक वोट से अगर जीत जाए तो हम जिता दें वो तो। लेकिन आपके आपके एक वोट में बहुत ताकत है दीदी, पता आपको? वो तो है, बहुत हम बीजेपी को देते हैं मगर नहीं निकलती है, ये तो बात नहीं, एक वोट से नहीं होता कुछ, जनता अगर सारी झुक जाए तो जीत सकती है, जनता के ऊपर है सब। आपका आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार। तो विनोद जी, ये तारकशी जहाँ पर मैनपुरी में हम देख रहे हैं और आप लगातार काम भी कर रहे हैं, कितने साल पुरानी है और कैसे ये जो आर्ट फॉर्म है उसको आप जीवित किए हुए हैं? ये 1960 से काम चालू है, पहले पापा दादा सब करते थे, अब इस कला को हम लोग किए हुए हैं, जब से ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट हुआ तब से ज़्यादा काम बढ़ गया है। पहले तो मैं इस आर्ट फॉर्म के बारे में और समझना चाहूँगा कि कितने साल पुरानी है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? ये
राजा तेज सिंह और महाराजा तेज सिंह के यहाँ से स्टार्टिंग है और लानसिंह मानसिंह आश्रम है अपने यहाँ, उस आश्रम में ये कला होती थी। इस पर गुरु जी हमारे पिताजी के श्री मुंशी लाल जी थे, उन्होंने इन्होंने काम सीखा है। अच्छा बात जी जी बताइए। इसके बाद इन्होंने इस काम को बढ़ावा दिया है। पहले यहाँ खड़ाऊँ डिब्बे चूड़ी केस बनाया करते थे, कला को इन्होंने खुद अपने दिमाग से बदलाव किया है, जो आज चित्रकारी पर काम चल रहा है, जिसमें राधा कृष्ण गीता उपदेश धार्मिक चित्र जो भी सब तैयार होकर बिक्री में जा रहे हैं, कोई आपत्ति दिक्कत नहीं है। अच्छा पूरा प्रोसेस क्या होता है और कितना समय लगता है, क्योंकि मैंने सुना था इसमें ब्रास वायर्स का इस्तेमाल होता है, शीशम की लकड़ी का इस्तेमाल होता है, सिल्वर वायर का इस्तेमाल होता है, क्या प्रोसेस रहता है पूरा? वायर तो उसमें चांदी का भी लगता है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पर यह डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा डिजाइन घना और वैसा होगा हल्का, उस हिसाब से समय लगता है। अगर हम कितना भी जल्दी बनाएंगे फिर भी 4 दिन लग जाते हैं एक चित्र बनाने में। अच्छा चुनाव का माहौल भी है तो इस समय, क्योंकि देखिए जिस तरह से एक आर्ट फॉर्म को बचाना बहुत मेहनत का काम होता है, क्योंकि आपको इस तरह की आर्ट फॉर्म जो बहुत पुरानी है, सालों पुरानी है, वो देखने को नहीं मिलती है। चुनाव में क्या माहौल लग रहा है आपको विनोद जी, कि इस बार बीजेपी या फिर समाजवादी पार्टी का जो गढ़ रहा है मैनपुरी 28 सालों से, कुछ बदलाव देख रहे हैं या फिर वैसे ही चला आएगा जैसे चल रहा था? कैदी में तो सरकार का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सरकार चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, और विपक्षियों का तो हिसाब होता है हल्ला गुल्ला करना, क्योंकि उनका कुछ चारा तो है नहीं कुछ हल्ला गुल्ला के अलावा। अब इस मरी हुई कला को इस सरकार ने उठाया है, क्या पिछली सरकारें नहीं चल रही हैं, वो भी तो उठा सकती थी। पास में मुख्यमंत्री रह रहे हैं, मैनपुरी हम रह रहे हैं, शेपी में मुख्यमंत्री हैं, क्या हम लोगों जानते नहीं है? खूब जानते हैं, पर कोई ध्यान नहीं है। इस सरकार ने दिया है और जितने लोग हैं उत्पात में जुड़े हैं वो सब मोदी जी के साथ हैं, कोई भी सपा के साथ नहीं जाएगा, ये गारंटी है। तो यहाँ पर आप कह रहे हैं कि इस तरह के आर्ट फॉर्म को वापस से जिंदा करने के लिए बीजेपी ने काम किया है, तो आप सिर्फ चेहरे पे वोट करना चाहेंगे क्योंकि, या फिर जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं मैनपुरी में जयवीर जी, उनको भी देखकर वोट करना चाहेंगे? क्या क्या आपका मुद्दा रहेगा दिमाग में एक आर्टिस्ट के बतौर पे, एक आम आदमी के बतौर? कैदे में जयवीर सिंह के भी मुद्दे पर रहना चाहिए चेहरे को देखते हुए, और फिर जयवीर सिंह निकलेंगे सांसद में तो मोदी जी तो सामने आ ही आएंगे, तो सरकार तो एक ही है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, जीतना चाहिए। कायदे में सत्ता का परिवर्तन होना जरूरी है इस वक्त समय को देखते हुए, जो अपने को लोग जागीर समझते हैं तो जागीर का भी कुछ पता लगे कि जागीर किस तरीके से क्या होती है, एहसास तो हो। जैसे विधायक जी बने सांसद ही, अब उनको टिकट दे दिया, ये भी पब्लिक सहयोग करेगी, करनी भी चाहिए। तो जैसा कि यहाँ पर आपने देखा कि तारकशी का जो काम था उसके बारे में हमने आपको दिखाया कि ये मैनपुरी में किस तरीके से काम किया जाता है, कितने सालों पुराना ये काम है, और जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है इस आर्ट फॉर्म को बचाने के लिए जिस तरीके से काम हुआ है। यहाँ पर विनोद जी से बात हुई, उनका कहना है कि सरकार ने यानी कि बीजेपी सरकार ने काफ़ी काम किया है इनके आर्ट फॉर्म को बचाने के लिए, इसीलिए ये कई सालों से, जब से बता रहे थे मेरी बात हो रही थी, जब से इनका जन्म हुआ है तब से वो इस आर्ट फॉर्म को आगे बढ़ाते आए हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैनपुरी अगर आप आते हैं तो तारकशी के काम को देखिएगा, सराहिएगा, और अगर अपने घर ले जाना चाहते हैं तो वो भी लेके जाइएगा।